हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, आज हम उसके सेकंड इनिंग्स में शिफ्ट करने वाले हैं। मतलब हम उसकी सेकंड इनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। और वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में बेसिकली हमारे पास जो बात होगी वो इक्विटी शेयर्स की होगी। अभी तक जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की बातें कर रहे थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, और सॉरी वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। नाउ सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे अपनी वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। और वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज से हमारा मतलब इक्विटी शेयर्स से होगा। हम आपके साथ इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सर हम क्या करेंगे? तो हम तो इक्विटी शेयर्स बाय करेंगे। तो हम शेयर्स को जब बाय करेंगे, व्हेन शेयर्स आर परचेस्ड, तो आपको पता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो आपको हर एक इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है। आपको दिया होगा, आपने शेयर्स खरीदे आर कंपनी के, तो इन्वेस्टमेंट इन आर कंपनी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन वाई कंपनी शेयर्स अलग अलग बनेगा। तो व्हेन शेयर्स आर परचेस्ड, क्या एंट्री होती है सर शेयर्स को परचेज करने की? लो कितनी आसान एंट्री होती है, मैं क्या बताऊं। हमारी एंट्री तो होती है सर इक्विटी शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा जो मैं सीधा लिख रहा, लो इसमें क्या हो गया बेटे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब सर यहां पर डेबिट करूंगा कॉस्ट प्राइस पर, और यहां पर भी क्रेडिट करूंगा कॉस्ट प्राइस पर। सर कितने कमाल की बात है, यहां पर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं आएगा? मैंने कहा नहीं आएगा। पहली बात, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में थी वो बार बार हमारी एनर्जी कंज्यूम कर रही थी, इंटरेस्ट कंप्यूट करो, इंटरेस्ट कंप्यूट करो। अब की बार वेरिएबल इनकम के अंदर इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड होता है। और जब आप शेयर्स परचेज करेंगे आपको डिविडेंड की कैलकुलेशन नहीं करनी, ना परचेज पे डिविडेंड की कैलकुलेशन है, ना सेल्स पे डिविडेंड की कैलकुलेशन है, ना ओपनिंग बैलेंस पर है। अरे सर कितना आसान हो गया, मतलब वो जो सारा कैलकुलेशन का पार्ट था वो हट गया। हाँ, अब वो सारा का सारा पार्ट हट गया। अच्छा सर ये कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो बेटे कॉस्ट के लिए तो वो हमारा जो डीलिंग प्राइस होगा, अब यहां कोई एक्स कम की बात नहीं है, जो भी डीलिंग प्राइस होगा उस डीलिंग प्राइस के ऊपर हमारी ब्रोकरेज चार्ज होगी, और उसके ऊपर अगर कोई हमारी स्टैंप ड्यूटी या कोई अदर चार्जेस हमें क्वेश्चन में दिए होंगे वो हम ऐड करेंगे। तो ये सारा मिला करके हमारा कॉस्ट बन जाएगा और हम एंट्री पास कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसीलिए अब की बार जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अब की बार सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम बनेंगे। एक कॉलम बनेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और एक कॉलम बनेगा कॉस्ट। सिर्फ दो कॉलम अब हम बनाया करेंगे, नंबर और कॉस्ट। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी बुक्स में आपको तीन कॉलम मिल जाएंगे, मतलब एक कॉलम डिविडेंड के लिए बना दिया जाए, बट जनरली बनाया नहीं जाता। और मुझे तो वैसे लिखने में तकलीफ होने वाली है, तो मैं क्यों अननेसेसरी तीसरा कॉलम बनाऊंगा, मैं दो ही कॉलम में काम करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया। ये ठीक है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, तो सर बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां आ जाएगा, कितने शेयर्स हैं ये क्वेश्चन बताएगा, उसकी बुक वैल्यू क्वेश्चन बताएगी। अगर आप परचेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो मैं यहां पर डेबिट कर दूंगा, कमाल की बात है, इंटरेस्ट डिविडेंड की बात कुछ करनी नहीं है। सर जब हम सेल करेंगे तो मैं यहां पर क्रेडिट कर दूंगा, बाय बैंक सेल, और जितने आपने शेयर्स बेचे होंगे उतना क्रेडिट, और जो उनका सेल प्रोसीड्स होगा वो भी क्रेडिट। सेल प्रोसीड्स का रूल वही है कि आपको ब्रोकरेज माइनस करनी होगी। उस पर सर रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और अब की बार हम रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस जो निकालेंगे वो एवरेज कॉस्ट बेसिस पर निकालेंगे, ठीक है सर। और फिर लास्ट में हम लोग यहां पर बाय बैलेंस कैरी डाउन भी दिखाएंगे, और अब की बार यहां पर कॉस्ट या फिर जो आपकी मार्केट वैल्यू रहती है विच एवर इज लोअर, वही कंसेप्ट जो पहले भी लगाते थे वो लगाएंगे। यानी सबसे पहले तो बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई कि सर यहां पर हमें कोई इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन नहीं करनी। मैंने कहा ना, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन नहीं करनी, लेकिन हमारे शेयर से जुड़े हुए कुछ और ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हमारे बीच में आने वाले हैं, हम उनके बारे में चर्चा तो जरूर करेंगे, ठीक है सर। उनके बारे में भी बताइए, हम उनके बारे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए जी नोट करते हैं अब हमारे पास कौन कौन सी नई ट्रांजैक्शंस आएंगी।
तो बेटे जब हम शेयर्स के मालिक बन गए हैं, हमने कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज कर लिए हैं, तो फिर अब हमारे पास कुछ नई बातें आएंगी। और आइए मेरे साथ उन नई बातों के बारे में नोट करते हैं, क्या नई बातें आएंगी। कंपनी कहेगी कि हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे। मैंने कहा तो फिर भाई मैंने तुम्हें शेयर्स खरीदे क्यों थे? ठीक है, वो कहते हैं ऐसा करो, हमसे डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स ले लो। छोड़ो जी छोड़ो, सीधी बात समझो कि कंपनी आपको क्या देगी। बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने कुछ नहीं देना। अब अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो समस्या ये है कि सर इसकी एंट्री क्या बनेगी? बात ये है कि सर इसकी तो कोई एंट्री बनती नहीं है। मुझे शेयर्स मिल रहे हैं मगर मैं दे क्या रहा हूं, मैं कुछ नहीं दे रहा कंपनी को, यानी एंट्री यहां पर नहीं बन सकती। इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो जब भी बोनस शेयर्स होंगे, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर केवल और केवल नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। यानी कि आप यहां पे लिख दोगे टू बोनस शेयर्स, डेबिट में लिख दोगे, और यहां पर आप नंबर ऑफ शेयर डाल दोगे। क्योंकि मैंने कोई प्राइस दिया ही नहीं है तो कॉस्ट आइटम में कुछ भी नहीं जाएगा। सर बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? हाँ जी, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कंपनी को कुछ मिला नहीं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था। मैंने कहा अच्छा, इसके साथ साथ एक दूसरी चीज आएगी जिसका नाम है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब है कि कंपनी कहेगी कि आप हमारे शेयर होल्डर हैं, हम अब नया शेयर निकालेंगे तो पहले आपको अधिकार होगा कि आप खरीद लीजिए। इस इज कॉल्ड राइट शेयर्स। अब मैं कह रहा हूं जी कंपनी शेयर निकाल रही है, कोई भी ले सकता है, लेकिन कंपनी कह रही है कि हम आपको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, पहले आपका राइट होगा, आपको लेना हो तो आप ले लेना, अगर आप नहीं लोगे तो फिर किसी और को दे देंगे। मैंने कहा अच्छा, क्यों इसको तुम राइट राइट कह रहे हो? वो कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको जनरली ये मार्केट से सस्ते दामों पर देंगे। अच्छा, मार्केट से सस्ते दामों पे दिया जाएगा, लेकिन कोई जरूरी है क्या कि अगर आप मुझे कोई चीज सस्ती दे दो तो मैं ले ही लूं? मेरे पास पहले से ही बहुत इन्वेस्टमेंट है, अब मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है लगाने के लिए। मैं पुरानी इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं चाहता, नई इन्वेस्टमेंट लेना नहीं चाहता, मेरे किस काम की? तो कंपनी कहेगी कि हम जो ये आपको राइट दे रहे हैं, मतलब सस्ते दामों पर शेयर खरीदने का अधिकार दे रहे हैं, अगर आप किसी कारण से इसको नहीं ले सकते तो आप इसे मार्केट में सेल करना चाहो कर देना, हम आपको इजाजत देते हैं, जाओ मार्केट में सेल कर देना। अच्छा, यानी इसकी दो बातें होंगी, या तो राइट शेयर्स जो होंगे हम सब्सक्राइब करेंगे या फिर हम इसको सेल कर देंगे। इसको बोलते हैं रिनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। रिनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन, हम चाहें तो किसी और व्यक्ति को भी ये बेच सकते हैं। अगर हमने सब्सक्राइब किया तो इसका मतलब आपने वही परचेज वाली एंट्री डाल देनी है। और मेरी परचेज वाली एंट्री क्या होती थी? तो मेरी परचेज वाली एंट्री होती थी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट टू बैंक। और यहां पर क्योंकि मैं कंपनी से लेने वाला हूं तो जितना प्राइस कंपनी को दूंगा वही मेरा यहां पर डलेगा, इसमें कोई ब्रोकरेज का इश्यू नहीं होता। क्योंकि मैं कंपनी से डायरेक्टली ये शेयर्स खरीद रहा हूं इसलिए कोई ब्रोकरेज का झंझटबाजी यहां पर नहीं होगा। यानी कि मेरे अगर परचेज नॉर्मल परचेज है तो भी यहां पर ऐसे ही आएगी, और अगर मैंने राइट शेयर खरीदे हैं तो भी डेबिट साइड पे बैंक लिख के डाल दूंगा, कोई दोनों में अंतर नहीं है। अगर मैंने अपने राइट को रिनाउंस किया इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन तो फिर मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। अगर मैंने अपने राइट को रिनाउंस किया है तो फिर बेटे दो बातें हो सकती हैं। मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मान लीजिए मुझे राइट मिला 1000 शेयर्स खरीदने का राइट मिला, इसमें से मैंने 600 शेयर्स के राइट को तो इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है सर, जब इतना ही बता रहे हो तो थोड़ा और बता दो। मैंने कहा लो, मान लीजिए मेरे जिस शेयर को मैं लेना चाहता हूं उसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन कंपनी ने कहा कि आप हमसे राइट शेयर ले लो
80 रुपीज के ऊपर, इश्यू प्राइस उन्होंने मुझे 80 का दिया, यानी मेरे को 20 रुपए पर शेयर का फायदा था। तो मैंने इसमें से 600 शेयर्स ले लिए एट द रेट ऑफ 80 ईच। ये तो बात खत्म हो गई। जो बचे हुए 400 शेयर थे वो मैंने किसी और के फेवर में सेल कर दिए, ये मैंने सेल कर दिया और उससे मैंने बदले में 10 रुपए पर शेयर ले लिए, तो मुझे 4000 रुपए मिले, 4000 रुपीज मिले। नाउ मेरे पास राइट था, अगर वो राइट मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता तो मैं बेच सकता हूं। सर अगर आपने ना इस्तेमाल किया ना बेचा तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने यूज कर लिया तो सब्सक्राइब हो चुके हैं, अगर आपने बेचा तो क्या एंट्री होगी, ये मैं बता रहा हूं और मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसके दो रास्ते हैं। पहला, सबसे पहला तरीका तो है कि आप इसे P&L में क्रेडिट कर दो। क्यों P&L में क्रेडिट कर दो? अरे इसे अपनी इनकम मानो और P&L में क्रेडिट कर दो। तो मैं अपने पास एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट। और क्योंकि मैंने तीसरा कॉलम बनाया ही नहीं है इसलिए वहां पर ये जाने वाला नहीं है, ठीक है? अगर आपने वहां पर कॉलम बनाया हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन झंझटबाजी में काहे को पढ़ना, मैं नहीं डालूंगा। दूसरा क्या है? दूसरा है क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि यहां पर मैं एंट्री डालूंगा बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट। ऐसा मैं कब करूंगा? जब क्वेश्चन मुझे कहेगा कि राइट शेयर की वजह से आपके ओरिजिनल शेयर का प्राइस कम हो गया। कब? अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट दिया जाएगा कि राइट शेयर की वजह से आपके शेयर का प्राइस कम हो गया, तब आपने ऐसा करना है। अब स्टूडेंट तो है ऐसा कि वो बेचारा घबरा जाता है, तो जब वो घबरा जाता है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। चलिए मैं यहां लिखता हूं, बाद में हटा दूंगा। मान लीजिए मेरे पास कंपनी के, लेट अस सपोज, या मान लो पूरी कंपनी के पास 1000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए हुए थे जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपए था, तो यानी ये हो गया 1,00,000। अब कंपनी ने क्या हुआ, राइट शेयर इश्यू कर दिए, ठीक है? कंपनी ने कहा राइट शेयर देंगे एक शेयर के बदले में एक, इसका मतलब कंपनी ने नए 1000 शेयर इशू किए, लेकिन ये 1000 शेयर कंपनी ने 80 रुपीज पर इशू कर दिए, तो भाई कंपनी के पास अब एक्स्ट्रा कितना मनी आया, 80,000। सर पहले कंपनी के पास 1000 शेयर थे, ध्यान से सुनो, तो कंपनी की वैल्यू 1,00,000 की थी। अब सर कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए और नए शेयर 1000 इशू कर दिए और कम पैसे पर इशू कर दिए, तो इसका मतलब अब कंपनी के हो गए 2000 शेयर और कंपनी की वैल्यू हो गई 1,80,000। अगर ये 1,80,000 को मैं 2000 शेयर्स में डिवाइड कर दूं तो सर इसमें कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, 90 रुपीज की वैल्यू हो गई। यानी राइट शेयर आने के बाद मेरे शेयर की कीमत कम हो जाती है क्योंकि कंपनी ने शेयर सस्ता इशू कर दिया। और मैंने आपको पिछली क्लास में वेटेड एवरेज का लॉजिक बताया था कि अगर किसी घटना की वजह से आपकी प्राइस कम हो जाने वाली है तो आप उसे रिकवरी में डाल लीजिए, इससे क्या होगा, आपकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। मैं पहले इसको हटा देता हूं फिर आपको सारी बात समझाता हूं। देखिए आप समझने की कोशिश करना कि आपने मार्केट से 100 रुपए का शेयर लिया, शेयर का प्राइस कम होकर 90 हो गया, अब आप दुखी हो यार कि मैं कब प्रॉफिट में आऊंगा। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था, एवरेज कॉस्ट का तरीका लास्ट क्लास में समझाया था कि आप और शेयर खरीद लो, आप भी अपनी कॉस्ट को एवरेज कर लो, आपकी कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो जैसे ही प्रॉफिट में आओगे अपने शेयर को बेच लेना। तो अगर आपको लगता है कि किसी घटना के बाद आपके शेयर का प्राइस कम होने वाला है तो बेहतर है कि आप उसे अपनी इनकम कहने की बजाय रिकवरी में डाल दो, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी तो जल्दी ही आप अपने शेयर बेच पाओगे, वरना गलत अकाउंटिंग की वजह से फंस जाओगे। अब सर मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब भी आप अपना राइट रिनाउंस करोगे तो मैं उसे इनकम मान के P&L में क्रेडिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करूंगा। अगर क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई ऐसा हिंट दिया गया है कि राइट की वजह से शेयर का प्राइस कम हो रहा है तो फिर आपको जो राइट के प्रोसीड मिले आप उसे इनकम में डालने की बजाय अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देना। यह एक स्पेशल केस होगा तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं है।
ठीक है सर। और सर मुझे क्या करना होगा? और बेटे आपको करना ये होगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा डिविडेंड, शेयर्स आपने लिए हैं तो आपको जरूरी नहीं बोनस मिले, आपको डिविडेंड भी तो रिसीव हो सकता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये डिविडेंड कौन सा है, क्या ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या फिर ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ये आपको देखना होगा। प्री का मतलब होता है डिविडेंड इज रिलेटेड टू पीरियड बिफोर द डेट ऑफ परचेज, यानी कि मान लीजिए यहां पर आपने शेयर परचेज किए और शेयर परचेज करने के बाद कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेकिन कंपनी कह रही है कि ये डिविडेंड पहले के पीरियड का है, ये डिविडेंड पिछले साल का है जब ये शेयर आपके पास नहीं थे, तो इसका नाम हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। जब भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड आएगा तो आपने इसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानना है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब जब आपने शेयर खरीदे थे तो उनमें डिविडेंड था, आपने जिसको पैसे दिए थे आपने उसे शेयर के साथ डिविडेंड के पैसे दिए थे और वो डिविडेंड अब आपको मिल गया, तो इट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो आप इसकी जो एंट्री डालेंगे वो एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप यहां पर एक एंट्री डालेंगे बाय बैंक और उसका नाम होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब होगा आपके परचेज करने के बाद वो डिविडेंड मिला है, लेकिन डिविडेंड आपके परचेज करने से पहले के पीरियड का था। आपको लगा मेरी बात में कोई कंफ्यूजन है? लो देखिए, ए ने ये शेयर खरीदे थे और आपने ए से ये शेयर खरीदे 30/5/2018 को, ठीक है, और उसके बाद कंपनी कहती है जी हम डिविडेंड दे रहे हैं। मैंने कहा ये डिविडेंड कौन सा है, वो कह रहे हैं ये 31 मार्च 2018 से पहले के जो कमाए हुए प्रॉफिट हैं उनका हिसाब किताब हो रहा है, वो डिविडेंड है। मेरे खरीदने के बाद डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड किस पीरियड का है, मेरे खरीदने से पहले के पीरियड का, इसी का नाम होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड आप अपनी कमाई मत समझ लेना, इसे आप रिकवरी ऑफ कॉस्ट कहोगे। अब जरूरी नहीं है ना कि हर बात को कहानी गा करके, बात को लंबा चौड़ा करके बताया जाए, सीधी सी बात है आप समझ लीजिए, ठीक है सर। दूसरा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब है दिस डिविडेंड इज रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ परचेज। इसका मतलब मैंने मान लीजिए शेयर खरीदे थे 1/4/2018 को, 1 अप्रैल 2018 को मैंने कोई शेयर खरीदे और फिर कंपनी मुझे कहती है कि हमने इसके ऊपर डिविडेंड दिया है और डिविडेंड हमने ईयर 18-19 का दिया है, तो 18 के बाद 18-19 आ रहा है, यानी मेरे खरीदने के बाद के पीरियड का अगर प्रॉफिट कंपनी मुझे दे रही है तो वो मेरी इनकम है। जिस दिन से मैंने खरीद लिया शेयर उस दिन के बाद का डिविडेंड मेरी इनकम है, उससे पहले का डिविडेंड जो कि कंपनी के पास रखा हुआ था, कंपनी ने बांटा नहीं था, वो मेरे खरीदने के बाद कंपनी ने वो डिविडेंड मुझे दिया, पीछे के पीरियड का डिविडेंड मेरे खरीदने के बाद आया, तो वो रिकवरी है, उसको प्री एक्विजिशन कहा हमने। तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हमारे पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड या फिर P&L। इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई काम नहीं है, ठीक है जी। सर इसका मतलब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर, तो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम यहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आएगा नंबर, यहां आएगी कॉस्ट, एक तीसरा कॉलम होगा डिविडेंड का या इनकम का, वो ऑप्शनल होता है, मोस्टली लोग बनाते नहीं है इसलिए हम भी नहीं बना रहे, आपको शौक चढ़ाओ तो बना लेना, कोई मनाही नहीं है,
ठीक है सर। अब सर हमने परचेज किया, तो आपने परचेज किया तो नंबर में डालो, कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेना। हो सकता है कि आपने राइट शेयर खरीद लिए हों, तो राइट शेयर और नॉर्मल परचेज में कोई डिफरेंस नहीं है। बाय बैंक सेल ऑफ राइट, अब मैं इसको लिख के काट रहा हूं क्योंकि किसी स्पेशल केस में क्वेश्चन कहेगा तो मैं डालूंगा, अदरवाइज मैंने इसे इनकम मानना, यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी। बाय बैंक सेल, तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स डालना, यहां पर अपना सेल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस या नेट ऑफ ब्रोकरेज डाल देना। सर अगर कभी डिविडेंड मिलेगा तो बेटे डिविडेंड मेरी इनकम होती है, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाती, मगर एक स्पेशल कंसेप्ट है कि अगर वो प्री एक्विजिशन हुआ तो यहां डाल देना, अदरवाइज छोड़ देना। और सर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन ये आप डाल देना, और फिर उसके बाद क्या, ये खत्म हो गया आपका, ये लीजिए ये आपका हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया। सर इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट की प्रैक्टिस कराइए, मैंने कहा हां आइए अब चलते हैं हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए सर हमें एक क्वेश्चन लेना होगा, मैंने कहा बिल्कुल इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन लेना होगा, तो हम चलते हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 11, बीच में एक दो क्वेश्चन ना है भी नहीं, मैंने कहा बाद में फिल कर लूंगा, मतलब सीक्वेंस वाइज अगर ये चलता तो मैं शायद ये क्वेश्चन नंबर 8 या 9 था, लेकिन मैंने बीच में कुछ जगह बना दी है, तो आप चिंता मत करो। आप इस क्वेश्चन को देखो, हाँ मैंने जगह इसलिए बनाई कि 2-3 क्वेश्चन ढूंढ के और मैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के डालना चाहता था, मिले तो ठीक है नहीं तो छोड़ देना। On 1st April 2016, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited at a book value of 15 per share, face value rupees 10. अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं और साथ साथ बनाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। रुकिए, तो पहले हम क्या करते हैं, आइए दोनों को ले लेते हैं। चलिए जी, हम लोग करने जा रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम लोग करने जा रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11, और हम लोग बनाने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यहां डलेगा नंबर ऑफ शेयर्स, यहां डलेगी कॉस्ट, यहां डलेगा नंबर ऑफ शेयर्स और यहां डलेगी कॉस्ट। सबसे पहले यहां लिखेंगे 1st अप्रैल 2016 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुंदर हैड 25,000 शेयर्स एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, तो 25,000 इंटू 15 3,75,000 3,75,000 ऑन 20th June ही परचेज्ड अनदर 5,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 16 पर शेयर। ओके, देन ऑन 20th June, अब देखो यहां पर बच्चे कह रहे हैं, नाच रहे हैं, कह रहे कितनी खुशी की बात है, इंटरेस्ट की कुछ बात ही नहीं हो रही, परचेस करेंगे तो हम डेबिट कर देंगे, यहां पर लिखेंगे 5,000 और यहां पर लिखेंगे हमारे पास 16 रुपीज के हिसाब से था 80,000। अच्छा अब सर यहां पर कोई ब्रोकरेज नहीं दी हुई, कुछ खर्चे नहीं दिए हुए, अगर दिए होते तो मैं कह रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत थी क्या, 80,000 के ऊपर ब्रोकरेज लगा देता, यहां तो कोई कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वाला झंझट ही नहीं है, इसी के ऊपर ब्रोकरेज लगा देता, इसी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगा देता बस। ओके ठीक है जी, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस एंड राइट इशू। अच्छा बोनस इशू, नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज इशू, कंपनी कह रही है बोनस शेयर दे रहे लेकिन बोनस के ऊपर हम आपको कोई डिविडेंड नहीं देने वाले। मुझे लगता है कि यहां पर राइट शेयर्स भी होना चाहिए था, हाँ यहां पर ना क्वेश्चन में यहां पर जहां पर ये बोनस दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर बोनस एंड राइट इशू होना चाहिए, तो हम इसको बाद में करेक्ट कर लेंगे।
नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज शेयर, इसका मतलब जो हम बोनस शेयर और राइट शेयर देने वाले हैं इस पर कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। बोनस इज 1:6। अब देखो जी, बोनस की अगर आपको रेशियो ऐसे दियो 1:6, तो इसका मतलब होगा कि इफ यू आर हैविंग 6 शेयर्स, अगर आपके पास 6 शेयर हैं तो एक बोनस शेयर मिलेगा। कभी उल्टा मत पढ़ लेना कि एक शेयर के बदले में 6 बोनस शेयर मिलेंगे, ऐसा नहीं कह रहा। पहला एक है ना, तो एक बोनस शेयर मिलेगा अगर आपके पास 6 शेयर है। तो आइए जी, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, मुझे बताओ बोनस शेयर्स मेरे पास कितने होंगे। 25 + 5, इसका मतलब मेरे पास एग्जिस्टिंग 30,000 शेयर्स हैं और एक शेयर मिलेगा 6 शेयर के बदले में, इसका मतलब मुझे मिलेंगे 5,000 बोनस शेयर्स। तो यहां डेट डाल दूंगा 16/8/2016 को, और बोनस शेयर की कोई एंट्री होती नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर डालना होता है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया 5,000। याद रखना, बोनस की एंट्री नहीं होती लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मुझे डेबिट साइड पे उसको एंटर करना है, ठीक है सर। और अब इसी के साथ मेरे पास नंबर ऑफ शेयर हो गए 25 + 5 + 5, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब मेरे पास है 35,000। और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको राइट मिलेगा, 3 शेयर का राइट मिलेगा 7 शेयर के अगेंस्ट, 15 रुपीज के ऊपर मिलेगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है 30th of September। अच्छा जी, अब मुझे इसको समझना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास आ गई, राइट शेयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 35,000 शेयर्स हैं तो आपको 3 शेयर्स का राइट है अगेंस्ट 7 शेयर्स। तो सर ये मेरे पास बन गया 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15 per share। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट, आप चाहें तो अपने ये जो अधिकार है ये पूरा या पार्टली आप इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33 1/3%, 33 1/3 का मतलब होता है 1/3। सुंदर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर कंसीडरेशन ऑफ 2 per share। सुंदर ने क्या किया, सुंदर ने इसकी 1/3 यानी ये जो 5,000 शेयर्स का राइट था इसे सेल कर दिया एट ₹2 per share और उसे मिले ₹10,000। अब हमने आपसे कहा था कि जब भी आप अपना राइट शेयर सेल करेंगे, सेल ऑफ राइट करेंगे, तो आपको जो भी कंसेशन मिलेगी आप उसे इनकम में लेके जाएंगे। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा हिंट कर रहा हो कि उसकी वजह से प्राइस कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हो, लेकिन पहली प्रेफरेंस हमारी यही रहने वाली है। तो मैं इसे इनकम में डालूंगा, और इनकम में डालूंगा तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट या इनकम, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो बैलेंस 10,000 शेयर्स रह गए एट द रेट ऑफ 15, वो मैंने सब्सक्राइब किए हैं, उसकी मैं एंट्री यहां डाल दूंगा। ये बात मैंने बताई थी कि जो शेयर मैं कंपनी से डायरेक्टली लेता हूं उन शेयर्स के ऊपर कोई ब्रोकरेज का इश्यू होगा नहीं। टू बैंक राइट शेयर्स 10,000 शेयर्स मुझे मिले हैं एट द रेट ऑफ 15 ईच, तो 1,50,000। नाउ डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात, डिविडेंड मिला है, क्वेश्चन ने कहा था इसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा, यह बात क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखी थी। अगर क्वेश्चन नहीं भी कहता तो भी बताओ ये शेयर नए बने हैं और कंपनी कह रही है हम डिविडेंड दे रहे हैं पिछले साल का 31 मार्च 2016 का, इनका तो जन्म ही आज हुआ है, इस साल में हुआ है, तो पिछले साल ये शेयर थे ही नहीं, इन पे डिविडेंड मिलेगा भी कहां से। क्वेश्चन नहीं भी देता तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इन दोनों पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी डिविडेंड मिलेंगे केवल और केवल इन दोनों शेयर्स के ऊपर, ठीक बात है। नाउ अब डिविडेंड की बात आ गई है, तो डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी
कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। आपको क्या करना होता है, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज, ये आपका डिविडेंड का अमाउंट होता है। सर क्या डिविडेंड मार्केट प्राइस का परसेंट नहीं हो सकता? बेटे क्वेश्चन में तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है, फेस वैल्यू भी बल्कि आप पेड अप वैल्यू कह सकते हो। डिविडेंड उतना ही मिलेगा जितना शेयर के ऊपर पेड अप होता है, और क्योंकि हमारे शेयर क्वेश्चन के अंदर जो होते हैं फुली पेड अप होंगे तो हम फुली पेड अप लेंगे। नाउ मेरे पास जिन शेयर्स पे डिविडेंड मिलना है वो दो हैं। एक तो मेरे पास ऐसे शेयर्स हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस था 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये मेरे पास 1/4/2016 को पहले से ही थे। दूसरे मेरे पास शेयर्स थे जो कि मैंने न्यूली परचेज किए थे 20 June 2016 को। ये हमारे पास 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच थे। अब कंसेप्ट के ऊपर वापस आ जाइए। सर देखिए डिविडेंड जो है, डिविडेंड आपको मिला है प्रीवियस ईयर 15 और 16 का। आपने कहा था कि डिविडेंड जब आप शेयर परचेस करोगे उसके बाद के पीरियड का है तो इनकम है, और अगर उससे पहले के पीरियड का है तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। ये कौन सा है? बच्चे कह रहे डायग्राम देख करके ये पहले का है। अरे नहीं बेटे, डेट ऑफ परचेज इसकी क्या है ये बताओ। बेटे ये तो ओपनिंग बैलेंस था, मुझे चाहिए इसकी डेट ऑफ परचेज क्या थी ये मुझे बताओ। डेट ऑफ परचेज क्या थी? क्योंकि डेट ऑफ परचेज के बाद का डिविडेंड मेरी इनकम है और पहले का मेरा रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, प्री एक्विजिशन है। तो सर इसमें तो डेट ऑफ परचेज मुझे मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको इनकम में डाल देंगे। भला ये क्या बात हुई सर, आपने इसे इनकम में डाल दिया। हां इंफॉर्मेशन नहीं है, बुक कहीं लिखती नहीं है, तो इसका एजम्पशन मान के चलते हैं कि पिछले साल भी ये शेयर्स मेरे पास थे तभी तो ओपनिंग बैलेंस बना है। लास्ट ईयर परचेज थे ना ये शेयर, तभी तो ये आपका इस साल डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। तो जो लास्ट टाइम आपने परचेज कर रखे थे उन पर डिविडेंड मिल रहा है, इनकम है। यानी क्वेश्चन में कहीं भी ये हिंट नहीं है कि ये डिविडेंड उससे पहले के पीरियड का है। समझो अगर आज मैं कहता हूं कि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये आज मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब मैंने लास्ट ईयर इनको होल्ड कर रखा था तभी तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बना था। और ये जो डिविडेंड है ये डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर मैंने होल्ड कर रखे तो मेरी इनकम का पार्ट है, और ये मेरी इनकम का पार्ट है तो इसे मैं इन्वेस्टमेंट में नहीं डालूंगा, इसे मैं P&L में डालूंगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये देखिए ये है मेरी डेट 1/4/2016, उसके बाद मैंने 20/6/2016 को इन्हें परचेज किया, और परचेज करने के बाद यहां पर कंपनी डिविडेंड दे रही है ये कह करके कि ये डिविडेंड आपके 15-16 के पीरियड का है। यानी ये तो डेफिनेटली मेरे लेने के बाद मिला, लेकिन पीरियड कौन सा है? मेरे इन्वेस्टमेंट करने से पहले का। तो ये डेफिनेटली प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जिसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करना होगा कॉस्ट में। ओहो मैंने कहा जी, ओहो, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, इट इज माय प्री एक्विजिशन डिविडेंड, दिस इज डेफिनेटली प्री एक्विजिशन, मतलब मेरे परचेज करने से पीछे के पीरियड का ये डेफिनेट डिविडेंड है, और इसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यानी इसे हम इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे और इसे हम P&L में नहीं डालेंगे। यही वो पॉइंट है जिसपे स्टूडेंट से मिस्टेक हो सकती है। तो यहां लिखेंगे ये डिविडेंड हम डालेंगे और October 31, 2016 को बाय बैंक, और यहां पर आप लिख सकते हो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ आपने इन्हीं शेयर्स के ऊपर लेना है, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे 5,000 शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपी है, इनके ऊपर 20%, तो ये हो गया आपका 10,000। नाउ
डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 26/2016 आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज. धन्य हो एग्जामिनर, धन्य हो. कह रहे जहां जहां बच्चा गलती कर सकता है वहां वहां वो बता रहे, मैं उसको धन्यवाद कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, जैसे सुल्तान में सलमान खान प्रतिद्वंदी को पीट के करता था. लो भाई. अच्छा, ऑन 15 नवंबर सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर. अब बेटे यहां पर लिखेंगे 15 नवंबर को हमने सेल कर दिया बाय बैंक सुंदर सोल्ड 25,000 शेयर्स. अब ये 25,000 शेयर्स हमने सेल कर दिए. अब देखिए जी कमाल की बात. सर अगर ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती तो मैं कहता कि मैंने यही वाले सेल कर दिए, लेकिन अब मत ऐसी बात करना, अब हम एवरेज यूज करेंगे. ठीक है सर, पहले इसका प्राइस तो डाल दो. ये जो हमने सेल किए हैं एट द प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, तो इसकी वैल्यू डाल दो. इसकी वैल्यू डल जाएगी 3,75,000. अगेन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ब्रोकरेज नहीं है तो इसलिए मैं ब्रोकरेज लेस नहीं करूंगा, वरना मैं ब्रोकरेज भी इसमें लेस कर देता. नाउ अब मुझे क्या कंसेप्ट लगाना है, मुझे एवरेज कंसेप्ट लगाना है. एवरेज का कंसेप्ट क्या था, सारी कॉस्ट को जोड़ दो और सारे शेयर्स को जोड़ दो, फिर आप एवरेज निकालो. तो आइए एवरेज निकालते हैं. कौन सा वर्किंग नोट नंबर है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस ऑन सेल. तो सर हमारे पास सेल प्राइस, क्वेश्चन कह रहा था कि हमने 25,000 शेयर सेल किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5. प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा 5 रुपए लिए हैं, तो ये हो गया सर 3,75,000 माइनस कॉस्ट. अब कॉस्ट हमने लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज. तो एवरेज कॉस्ट का तरीका यह है कि आप सारी की सारी कॉस्ट को पहले ऐड करेंगे, यानी 3,75,000 प्लस 80,000 और प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 बोनस और प्लस 10,000 के राइट शेयर्स. ये है आपकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ वन शेयर इसमें से इंटू 25,000. तो अगर एक शेयर की कॉस्ट इतनी तो 25,000 की कॉस्ट कितनी, 375 प्लस 80 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर हो गए हैं अब 45,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 25,000. ये कॉस्ट आ गई मेरे पास 3,36,000. सर एक गलती करी आपने, वो माइनस नहीं किया प्री एक्विजिशन डिविडेंड. यस एक गलती मुझसे हो गई, प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस नहीं किया मैंने. इसमें से मैं इतनी कॉस्ट को रिकवर भी तो कर चुका हूं, वो भी माइनस करना होगा. देखा गलती हो सकती है आपसे. अच्छा तो ये अब आ गई मेरे पास 3,30,000, 555.55, तो 556 कर दो. तो 3,75,000 माइनस 3,30,000 556, तो ये आपकी इनकम आ गई 44,444. ये आपकी इनकम आ गई. और इनकम को हमने यहां पर दिखाना है 15 नवंबर को, हम यहां दिखाएंगे टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 44,444. ठीक है. और उसके बाद सर उसके बाद तो बस हमें दिखाना है यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और मेरे पास अब बचे हैं 20,000. अब सर 20,000 की मैं क्या करूंगा, तो बेटे 20,000 की मैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू वो चेक करता. तो बेटे ये सेम इसी फॉर्मूले से आएगी 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 20,000. ये वैल्यू आती है 2,64,444.
तो ये कॉस्ट आपकी आती है, जो रिमेनिंग 20,000 शेयर्स आपके पास बच गए हैं उसकी कॉस्ट आती है 264,444। तो यहां डालिए 264,444। अब बेटे क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये तो मैंने कॉस्ट निकाली, अगर यहां पर मार्केट वैल्यू होती तो फिर इन कॉस्ट वाले कॉलम में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता, लेकिन अब हमने कॉस्ट ली तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगी। ठीक है सर, क्वेश्चन में एक चीज और मांगी गई है, क्वेश्चन कह रहा है कि पी एंड एल भी बनाओ। अब देखिए बेटे दो रास्ते हैं, कई बार आप देखेंगे कि वो नंबर और इनकम और कॉस्ट या फिर डिविडेंड का कॉलम बना लेते हैं, तो नंबर इनकम और कॉस्ट कई बार तीन कॉलम बनाते हैं, बहुत रेयरली बनाते हैं, इसलिए आप बनाने मत बैठ जाना, मैंने इसलिए बताया कि अगर आप किसी बुक में देखें तो आप घबराए नहीं। ठीक है तो सर हमने तो ये बनाया नहीं, हम इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते, बनाएंगे तो कोई गलत बात नहीं है लेकिन अननेसेसरी मुसीबत में क्या पड़ना। क्वेश्चन ने कहा बस आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपने इनकम का कॉलम नहीं बनाया है इसीलिए आप मुझे पी एंड एल अकाउंट बना के दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, तो पी एंड एल में आता क्या क्या है, एक तो इसमें आपका आना था सेल ऑफ राइट, जो आपने राइट बेचे थे उसका प्राइस आना था, तो हमने 5,000 शेयर्स का राइट बेचा था 2 रुपए के हिसाब से, एक तो वो आना था। एक इसके अंदर आएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या शेयर्स, मेरे ख्याल में था वो 44,444, ऊपर से देख लेना आप, ध्यान नहीं मुझे। और तीसरा एक मेरा आना था डिविडेंड, अगर डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन है तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आता है, अगर वो पोस्ट एक्विजिशन है तो वो यहां आता है, तो वो डिविडेंड आपका ओपनिंग बैलेंस में जो शेयर्स थे 25,000 उन पर था, वो यहां आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने बनाना था, उसने आपसे ये दो अकाउंट मांगे थे। इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ डील किया है बेटे, राइट शेयर भी, बोनस शेयर्स भी, सेल भी, एवरेज कॉस्ट भी, सब कुछ डिस्कस किया, सिर्फ नहीं डिस्कस किया तो क्या ब्रोकरेज हमारे पास नहीं थी, अगर ब्रोकरेज होती तो परचेज में ब्रोकरेज प्लस कर देते हैं, सेल में माइनस कर देते हैं, वो आप जानते हैं। ठीक है तो वैसे आप जो भी क्वेश्चन आप बनाना चाहें, एग्जामिनर के पास अब कोई स्कोप नहीं है पूछने का, वो या तो मिक्स मैच क्वेश्चन बनाएगा, दो चार ट्रांजेक्शन फिक्स की, दो चार वेरिएबल की, मतलब दोनों पूछेगा, या फिर सिर्फ वेरिएबल पूछेगा, इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन अब हो नहीं सकती, तो आप चाहें तो बना सकते हैं। वैसे हम एक आधी क्लास अभी और डालेंगे, उसमें आपको और प्रैक्टिस करा देंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट फील कर सकें। चलिए आज इतना ही, टाटा बाय, सी यू।